नमस्ते दोस्तों, मैं हिरेन गोहिल आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोहिल सर में। चलिए आज हम चालू करते हैं आपका मैथ्स का अगला टॉपिक, अगली शॉर्ट ट्रिक, सतत संख्याओं का गुणा, सतत सम और विषम संख्याओं का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर्स। जैसे आपका 21 इंटू 22 है, 12 इंटू 11 है, 25 इंटू 26 है, 15 इंटू 16 है, 7 इंटू 8 है, 9 इंटू 10 है, 31 इंटू 32 है, 41 इंटू 42 है, 55 इंटू 56 है, 98 इंटू 99 है, बोलिए और कुछ आप बोलेंगे तो अभी इधर तक सुनाई में थोड़े 14 इंटू 13 है, 5 इंटू 6। ये कंटिन्यूस है, इसकी खासियत क्या, कंटिन्यूस है। 21 में किसका गुणा करना है, 22 का, 12 में किसका, 11 का, 25 में किसका, 26 का, 15 में 16 का, 41 42 31 32। ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या बाद में ही हो, छोटी संख्या पहले ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी संख्या पहले हो, छोटी संख्या बाद में हो, पर जिनका आपको गुणा करना है वे दोनों संख्याओं में अंतर कितने का, एक का, कंटिन्यूस है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा 5 6 30, 5 6 30, तो आपका आंसर क्या रहा है, 30 है ना, आपका आंसर क्या रहा है, 30। अच्छा, 5 को मैं कितनी बार जोड़ू, 6 बार, तो आंसर क्या आना चाहिए, 30। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 5 और 6 में 5, तो 5 का स्क्वायर क्या, 25। छोटे वाली संख्या का स्क्वायर करके वो छोटा नंबर जोड़ दो, 25 और 5 कितना, 30। जैसे 21 इंटू क्या करना है, 22, तो 21 का स्क्वायर कर दो, मतलब 21 को 21 बार तो जोड़ी लेंगे और 21 को और जोड़ लो, तो फिर इन दोनों में छोटा कौन है, 21, तो 21 का स्क्वायर क्या, बोलो 441, उसमें 21 जोड़ लो, तो इसका आंसर क्या, 462। 12 इंटू 11 में छोटा कौन, 11, तो 11 का स्क्वायर बोलो, 121, उसमें 11 जोड़ दो, 132। और हमने पहले दिन भी सीखा था 11 का गुणा करना, तो आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, बीच में दोनों का सम। अच्छा, 25 इंटू 26 करना है, तो छोटा कौन इन दोनों में, 25, तो 25 का स्क्वायर बोलो, 625, और उसमें क्या जोड़ दो, 25 है, 25 का स्क्वायर 625, 25 हुआ तो 650, तो 25 इंटू 26 का आंसर क्या आएगा, 650, 650, आंसर क्या आ रहा है, 650। 15 इंटू 16 करना है, तो इनमें छोटा कौन, 15, 15 का स्क्वायर क्या बोलो, 225, तो 225 में क्या जोड़ दो, 15, तो 240, ठीक है। यहाँ पे 7 8 क्या, 56, 56, 7 8 56, तो इन दोनों में छोटा कौन, 7, 7 का स्क्वायर क्या, 49, उसमें क्या जोड़ दो, 60, तो आंसर क्या है, 56। आपका इधर 90, यहाँ पे छोटा कौन इन दोनों में, 31 और 32 में। शॉर्ट ट्रिक क्या बोल रही, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, छोटा नंबर जोड़ दो। इसको उल्टा भी कर सकते हो, बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर, पर घटाने में तकलीफ आती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर प्लस छोटा नंबर, जोड़ना आसान लगता है बच्चों को। तो 31 का स्क्वायर क्या, 961, उसमें 31 जोड़ दो आप, तो फिर क्या आ जाएगा, 2, 6 और 3, 992। 31 का स्क्वायर 961, उसमें 31 जोड़ 992। 14 इंटू 42, तो 41 का स्क्वायर, छोटी वाली का स्क्वायर करके छोटा वाली क्या जोड़ देना है, तो 41 का स्क्वायर क्या, 1681, उसमें 41 ही क्या कर दो, जोड़ दो, तो 2 12 17 1722। आपको करना हो 55 इंटू 56, तो आपका छोटा वाला नंबर कौन सा, 55। अब इसका स्क्वायर क्या होता है, 30, 25, 55 का है ना, उसमें क्या कर लो, 55 जोड़ लो, तो फिर 5 5 10, कैरी कितनी, 1 8 3 0 8 0, 55 का स्क्वायर क्या, 30 25, 30 25 में क्या जोड़ना है, 55, तो 5 5 का 0 कैरी कितनी, 1 ये 3 और 30 80। यहाँ पे आपका क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या, वो 98 जोड़ दो उसमें, तो 98 का स्क्वायर बताओ, 100 से 2 कम है तो 2 गया 96, और 2 कम था तो उसका स्क्वायर 04 9604, और उसमें क्या जोड़ दो, 98 जोड़ना है इसमें, तो इसका आंसर आपका 8 4 12 का 2 कैरी कितनी है, 10 कैरी कितनी है, 9 7 0 2। अच्छा, 14 इंटू 13 करना है, तो 13 का स्क्वायर क्या, 289 के 169, 13 का स्क्वायर क्या, 169, सॉरी 13 का स्क्वायर क्या, 169, 17 का स्क्वायर लिख दिया था गलती से, तो 13 का स्क्वायर 169, उसमें क्या कर लो, 13 जोड़ लो,
तो फिर नोड तीन 12 का दो केरी कितनी, 6, 7 और 1, 8, 182। 13 का स्क्वायर क्या 169 में क्या करो 13 ही जोड़ दो तो 182। तो जब भी हमें तो कंटिन्यूस नंबर का गुणा करना हो तो छोटे वाली संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या, ऐसा नहीं कि पहले वाली संख्या का स्क्वायर, इन दोनों में जो छोटा हो उसका स्क्वायर प्लस छोटी संख्या। जैसे यहाँ पे 14 × 13 लिखा तो 13 का स्क्वायर 169, उसमें क्या जोड़ दिया हमने 13। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आप भी इसको जरूर पढ़ें, अपने दोस्तों को समझाएं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉन्जुगेटिव इवन एंड ऑड नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे 22 × क्या है 24, 21 × 23, 16 × 18, 12 × 14, 19 × 21, 25 × 27, 31 × 33, आपका 17 × 19। या आप ले सकते हो कुछ बड़े नंबर भी ले सकते हो, 51 × 53। तो यहां पे आपको खासियत क्या समझ में आ रही, इन दोनों में एक संख्या छूट गई, 22 और 24 में कौन छूट गया, 23 से कंटिन्यूस इवन है, ये कंटिन्यूस ऑड है, ये कंटिन्यूस इवन, ये कंटिन्यूस इवन, ये कंटिन्यूस ऑड, ये कंटिन्यूस ऑड, ये कंटिन्यूस ऑड, ये कंटिन्यूस ऑड, ये कंटिन्यूस ऑड। तो जब भी हमें दो सतत संख्या विषम संख्या गुणा करना, तो 22 और 24 में कौन छूट गया, 23। बीच वाली संख्या का स्क्वायर माइनस वन, जब भी हमें कॉन्जुगेटिव इवन या ऑड का प्रोडक्ट करना हो तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों के बीच में कौन छूट गया 23, 23 का स्क्वायर क्या 529, 529 में से एक गया तो 528, इसका आंसर क्या 528, बीच वाली संख्या का स्क्वायर माइनस वन, इन दोनों में कौन छूट गया 21 और 23 में, 22 का स्क्वायर 484 माइनस वन, तो 484 में से एक गया तो 483, 16 × 18 में कौन छूट गया बीच में 17 का स्क्वायर क्या 289 में से गया तो 288, बीच वाली संख्या का स्क्वायर माइनस, 12 और 14 में क्या आएगा 13 का स्क्वायर 169 में से गया तो 168, 51 × 53 तो फिर 52 का स्क्वायर क्या होगा 2704, तो उसमें से गया तो 2703। अब 52 कितना ज्यादा होता है 50 से, 2 ज्यादा होता है तो 2 का स्क्वायर क्या 04, और 25 में तो जोड़ दो 2704 पर उसमें से एक गया तो 2703 स्क्वायर आना चाहिए आपको। आपको किसी भी हालत में 40 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब याद करना, टेबल 20 तक के, ताकि आपको शॉर्ट रेट अच्छे से आ जाए और मल्टीप्लीकेशन में भी एग्जाम में कोई तकलीफ ना है सॉल्व करने में। 19 × 21 करना है, इसमें बीच में कौन छूट गया 20 का स्क्वायर माइनस में तो 399, 25 × 27 में कौन छूट गया 26 का स्क्वायर माइनस में, 26 का स्क्वायर क्या 676, तो इस 675, 31 × 33 में गटर कंटिन्यूस ऑड नंबर है, बीच वाली का स्क्वायर माइनस वन, तो 32 का स्क्वायर माइनस वन, तो 1024 में से एक गया तो 1023, इधर 17 और 19 में कौन छूट गया 18 का स्क्वायर माइनस वन, तो 18 का स्क्वायर 324, 324 में से एक गया तो 323। ठीक है, तो जब भी हमें कंटिन्यूस इवन ऑड का प्रोडक्ट करना हो तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर माइनस वन। आशा करता हूँ आज की शॉर्ट ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं करा है तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिल सके। धन्यवाद।